बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी आज बैंगन। सबसे पहले मैंने तेल डाला था, ये 2 डोइयां। तेल डालने के बाद इसमें मैंने ये रेड प्याज था, कोई खा नहीं रहा, सलाद के लिए लाए थे, वो डाला। अदरक डाला, एक आलू भी डाल दिया है, 3-4 छोटे छोटे टमाटोज डाल दिए हैं। अब ये खुद ही थोड़ा सा नरम होंगे, सोटे होंगे। तो यहाँ पर हमने ये मसाला बन रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे ये बताऊँ जो है, इनको लंबे लंबे काट लिया है धो के, और इनको बॉईल कर लिया, और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया है। और इसको फिर इसमें डालेंगे, और नमक मिर्च मसाला डालेंगे इसमें। जी हमारे घर वाले ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते, बहुत हल्की मिर्च खाते हैं, इसलिए आधी टीस्पून मैं इसमें मिर्च की डाल रही हूँ। अभी इसकी बनाई हो जाएगी तो फिर ये ज्यादा कड़वी नहीं होगी। और नमक भी हम ज्यादा नहीं खाते, आधा चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं, और आधा चम्मच ही इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी के साथ एक तो रंगत अच्छी हो जाती है, और दूसरा जो है ना, पथरी नहीं बनती, पथरी को पेट में पथरी ना बने उसके लिए आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। और मसाला मेरा गरम खत्म हो चुका है, अभी इसको अच्छे से बनाई करने के बाद इसमें बताऊ डाल के उसकी बनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने इसमें बैंगन डाल दिए हैं, बैंगन बताऊ ओबरजीन या एग प्लांट, तो ये अब इसको हिला देंगे। जिस तरह फिश नहीं होती, फिश बनाते हैं इस तरह, एक तो जो उबाले हुए हैं नरम हो गए हैं ये पानी छोड़ेंगे, एक दूसरा सब्जी का पानी होगा, और इसको सूखा भुना पकाया जाएगा मजीद आधा घंटा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे, जब हमारे हस्बैंड बनाते हैं ना तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और मेरी बहन बनाती है बैंगन का भरता, जो गोल वाले बैंगन होते हैं उनको फ्लेम के ऊपर सेक के ना, तो उससे बनता है। और फिर मसाला डाल के उसमें पूंडी की चटनी डाल के उसको बनाई किया जाता है, वो बंदे वो बहुत मज़े का बनता है। तो ये बैंगन और सब्जी बनाने का भी हर बंदे का अपना अपना तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें तकरीबन जरा हमारा सालन है वो पक चुका है। अगर मैं इधर साइड को करके दिखाऊं तो ये जो सारा मसाला है वो थिकनेस पकड़ चुका है, और जो तेल है वो छूट रहा है, जो बैंगन है वो भी पक गए हैं, जो मसाला भी है। थोड़ा सा 5 मिनट और इसको भूनने के बाद इसको फ्लेम बंद कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी इस तरह ट्राई करें ओबरजीन का सालन बनाना। पहले मसाला बना लें, तो ओबरजीन को उबाल के उसका पानी निकाल दें, थोड़ा सा कड़वाहट कम हो जाती है, और ओबरजीन जो होते हैं बैंगन वो नरम हो जाते हैं। फिर उसमें भुनाई कर लें, तो अगर आप इसका भरता भी बनाते हैं तब भी बड़ा मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा कि अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बन चुका है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरा जो जूस है स्पेशल, उसके बनाने का प्रोसीजर जारी है। सबसे पहले मैंने सुरख और येलो जो सेब हैं उनको काट लिया, पहले धो लिया, धो के इनको काट के ये ब्रेड वाले बैग में रख लिया। ये तकरीबन 1 किलो हैं, ये 1 किलो मैंने जो सेब हैं ये तैयार करके रख लिए हैं। फिर अब मैं जो इजी पीलर हैं उनको काट रही हूँ, और ये जो हैं ये अभी फ्रेश लाए हैं, और इनका नाम भी इजी पीलर है, ये बड़े हैं, ज़्यादा जूसी नहीं है। इधर मैंने ग्रेप्स को धो के उनको काट लिया है, कई बार पड़े पड़े जो ग्रेप्स होते हैं कहीं से वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे ये मुँह है तो इसको मैं काट देती हूँ, तो फिर इस तरह फिर वो सिर्फ साफ साफ फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं। और इस तरह जो हमारा प्रोसीजर जारी है, अब इसको जूसर मशीन में डाल के सारे कुछ का जूस निकाल लिया जाएगा। ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप्स, माल्टे, सेब और संतरे, इनका जूस बनाया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे ये देखें फूल, जब सूरज जिस पड़ रहा हो ना जिस तरफ, उस तरफ जो प्लांट होता है वो बहुत ही हेल्थी और बहुत ही ग्रीनर होता है, बहुत सारे फूल और बर्ड्स लगते हैं, बहुत दिलकश सीनरी क्रिएट होती है। और यहाँ पे इतना शेड नहीं होता, वहाँ पे इतनी बारिशें भी फूल नहीं निकलते, इतनी ग्रीनरी नहीं होती, हेल्दी प्लांट नहीं होता।
तो इस पे इस पौधे को देख के आप देख सकते हैं अभी ये खिलने शुरू हुए हैं, ये एक टाइम में सारे भर जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत शेड के फ्लावर हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो चीज़ मुझे खूबसूरत लगे तो फिर मैं वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे भी एक टहनी है तो वो उधर जा रही है, दो तीन बार मैंने इसकी टहनी लगाने की भी कोशिश की है कि हमारे घर में भी ये उग जाए, ये उग नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। देसी गुलाब उग जाते हैं कलम के ज़रिए, ये नहीं उगते जल्दी ना। आज आपको ख़ास कर ये फ्लावर दिखाने के लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर ये फ्लावर देखें कितने खूबसूरत हैं और ये बहुत ही हाईली सेंटेड भी हैं, खुशबू वाले हैं। और दूसरा ये खुद ब खुद उगते हैं, ये इसकी लंबी सारी टहनी है। पिछले साल तो ये पौधा जो सफ़ेद फूलों वाला था ये नहीं था, अब ये फूल हैं और ये काफ़ी खिले हुए हैं। तो मुझे दूर दूर से नज़र आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने तोड़ भी दिए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए। इनको देखें कितने खूबसूरत फूल हैं ये वाले, ये देखिए अभी ये खिल रहे हैं, सुबह का टाइम है ना, तो अभी खिलेंगे, दोपहर होगी धूप निकलेगी और कुछ ऑलरेडी खिल चुके हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें ये सारा साफ सुथरा है, हाफ टर्म का टाइम है, फिर भी पार्क बिल्कुल सुनसान है, हल्की हल्की सी बारिश पड़ी है, सर्दी भी कल से काफ़ी हो गई है। तो आज 31 मई है 2023 और इस तरह बिल्कुल क्वाइट पार्क है, कोई मेरे सिवा कोई और बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कोई बच्चा भी नहीं आया हुआ ना। ये देखें ये समर की स्नो है, जब बहुत ज़्यादा वेदर गर्म होता है तो इन पे सिंबल की रूह की तरह, कॉटन की तरह ये रूह लगती है और ये इस तरह बिखरती है और ऐसे लगता है जैसे स्नो पड़ी हुई हो, तो ये स्नो नहीं है, ये रूई है। और जो लोग ऑस्मेटिक होते हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम करती है, तो आप देखें ये सफ़ेद सफ़ेद उड़ उड़ के सारी तरफ जाती है, जैसे स्नो पड़ रही हो ना, इस तरह होती है। और ये सख्त गर्मी में जब धूप निकलती है तब होती है, जब बारिश हो जाती है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ट्री है और उसके ऊपर फूल, यहाँ देखें कितने खूबसूरत हैं। अब ये फूल जो सवार के अच्छे से पक चुके हैं, तो अब ये फूल जो हैं इस तरह गिरते हैं, जब हवा चलती है ना तो ये इस तरह का समा पेश करते हैं। तो आप थोड़े थोड़े से फूल जो हैं पत्तियाँ इस तरह आप गिरती हैं, आप देखें जैसे सफ़ेद रंग के जितने भी हैं ना ये ओरिजिनल फूल हैं, अभी भी अगर आप गौर से देखेंगे तो फूल गिर रहे हैं हल्की हल्की हवा के साथ। तो ये अल्लाह ताला की शान है, इसलिए मैं कहती हूँ बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कि भी अपनी बहार होती है, अभी अभी बारिश पड़ के हटी है। और देखें ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट पर कितने शबनम्स के कतरे पड़े हुए हैं, रेन के ड्रॉप हैं, और जब ये सूरज निकलेगा तो और भी खूबसूरत लगेंगे, सूरज में चमकेंगे सात रंग के, हीरे की तरह डायमंड की तरह ये चमकेंगे। और इस तरह ये जो जी हर टाइम जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो हर चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब बंदा अंदर दीवारों के बैठ बैठ के देख देख के ना बोर सा ही होता है, घबराता है और जहन दिमाग को जो इतनी तकवीत नहीं मिलती, ताकत नहीं मिलती। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कितने खूबसूरत पौधे लग रहे हैं, बारिश के कतरे हैं तो जिसको शबनम भी बोलते हैं, और वो इस तरह जमा हुए हैं पौधे पे, ये इकट्ठा करके पौधा जो है पत्तों के ज़रिए जड़ों में पानी उतारेगा, जो इनको एक्स्ट्रा वाटर मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। अब हम अलॉटमेंट में तशरीफ़ ले आए हैं, यहाँ पर देखिए वो फूल हैं और सूरज नहीं निकला हुआ, तो बारिश होके हटी है, कब किसी का मुंह किस तरफ को है, किसी का किस तरफ को, तो आज इत्तेफाक में सलूक नहीं लग रहा, क्योंकि सूरज निकलेगा तो इनका रुख सूरज की तरफ हो जाएगा, तो जिस तरह सूरज आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ को जाता जाएगा ये उस तरफ को रुख कर लेंगे। ज़्यादातर इनका रुख परली साइड को होता है कि सूरज उधर से निकलता है, और आज का किसी का मुँह इधर को है, किसी का उधर को है, ऐसा लगता है जैसे रूठे हुए हों। पर एक ही पौधा है और ये कभी कभी तो सुर्ख रंग के फूल लगते हैं, लेकिन ये सफ़ेद हैं और बहुत ही दिलकश लग सकता है, वाइल्ड उगता है,
लेकिन देखें सफ़ेद रंग के फूलों से एक हफ्ता हो गया इसी तरीके से खूबसूरती बढ़ा रहा है। जो गार्डन होते हैं वो फूलों से खूबसूरत लगते हैं, घर वालों से खूबसूरत लगते हैं, घर में रौनकें बड़ों और बुज़ुर्गों से होती हैं। इसी तरीके से जो फूल होते हैं ना तो ये एक बहार का साइन दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है। ये एक वाइल्ड फ्लावर की बुश है और हाईली सेंटेड है। हाईली सेंटेड उसको मैं कहती हूँ कि बहुत ही खुशबूदार है, जैसे पाकिस्तान के जो फूल होते हैं उनकी खुशबू होती है ना, यकीन करें इसी तरीके से इन फूलों की खुशबू है। और जब आप सुबह सुबह यहाँ से गुज़रते हैं तो ये और भी खुशबू जो है आपको सूंघने को मिलती है। तो ये सारे जो फूल खिल रहे हैं तो ये खुशबूएं फैला रहे हैं। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो ये अंदर से हल्का टिंटेड गुलाबी है, थोड़ा सा इसमें गुलाबी गुलाबी आता है, गुलाबी और ऑरेंज सा। अभी मैं आपको फूलों के करीब लेके जाऊंगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप गाजरी टाइप जो है ना फूलों में ये है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत चीज़ें तो मैं अपने बहन भाइयों को ज़रूर दिखाना पसंद करती हूँ। तो दरख्त लगाएं, माहौल को खूबसूरत बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 मई 2023 है, तो मैं ये पुराने फ्लावर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और इसी में मैं ये नए रोज़ेस सेट करूँगी। ये हाईली सेंटेड हैं। जो भी फ्लावर मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ, ख़ासकर रोज़ेस, तो वो जिनके खुशबू होती है वो वाले पसंद करती हूँ। ये देखें ये खुद ही लव हार्ट बना हुआ है और ये मैं अपने हबी के लिए सेट कर रही हूँ। जब भी मैं घर को टाइडी अप साफ़ सुथरा कर लेती हूँ तो फिर मैं फ्लावर सेंड करती हूँ। और ये मैं थोड़े से लेके आई हूँ और ये अब इसके बीच बीच में लगा दूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही नेचुरल लुक है। अगर आप इसमें पानी डाल दें तो और भी खुशबू वाला लग जाता है, लेकिन क्योंकि नीचे ड्राई फ्लावर की पेटल्स हैं तो ये सेटिंग जो है बहुत ही अच्छी लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यहाँ पे जो मम्मी है ना वो जा रही हैं, पता नहीं उधर क्या हुआ है, दो तीन गाड़ियाँ हैं तो एक गाड़ी उधर अभी खड़ी है। वो देखें अब मैं क्लोज लुक करके दिखाती हूँ, यहाँ पर वो गाड़ी खड़ी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैं तार को या क्यूकम्बर को इस तरह बारीक बारीक काट लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहती हूँ। गर्मियाँ होती हैं ना तो मुझे डाइजेस्टिव का जो मसला होता है उसके लिए मैं ज़्यादा हैवी खाना, ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं मैं खा सकती, तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह लाइट जो है खा लूँ। तो इसमें काफ़ी जो है इसमें पानी होता है और काफ़ी ये हल्का होता है, डाइजेस्टिव होता है। इसलिए अगर आपके बच्चों को बुखार हो जाए, जब आपके बच्चे कुछ खा पी ना रहें तो आप मेक श्योर करें वो पानी पीते रहें या नरम गज़ा खिलाएं, इस तरह की क्यूकम्बर कोई फ्रूट कोई जो वो पसंद करते हैं, ताकि उनके पेट में अंदर कुछ जा सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो मुंह में लाब होता है वो डाइजेस्ट करता है फूड को स्टमक में जाके, जब मैदे में कोई फूड नहीं होता तो वो तजाबियत जो होता है लाब पॉइजन हो जाता है और फिर ज़्यादा बंदे को वीकनेस होती है। इसलिए पानी पीना जब स्टमक में कुछ ना कुछ डालना ज़रूरी होता है। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत उनको खिलाते पिलाते रहा करें। मैं तो ये नरम नरम गज़ा खुद अपने लिए पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ये ट्राई करें अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने लिए। तो इंशाल्लाह आपका भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। ये नेचुरल तौर पे एक किस्म की हर्ब्स भी होती हैं, मेडिकेशन भी होती हैं, ट्रीटमेंट होती है। तो क्योर इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो सब्ज़ियाँ और फल होते हैं, उनको अच्छे से धो के खाने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, कुवते मदाफत पैदा होती है। विंडो में देखें कितने सारे जो बर्ड हैं वो आए हैं और उसमें सीड पड़े हुए हैं, मल्टी सीड्स, और वो किस तरह खा रहे हैं। तो ये अक्सर जो है ना बहुत अच्छा लुक दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा है कि दीवार को भी काफ़ी गंदा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही ज़्यादा पू करते हैं। और ये जो बर्ड है ये अपने बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं और बच्चे इनके बहुत शोर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह वो माँ और बाप जो होता है वो उसमें दाने गिराने के लिए लगा होता है और जो बच्चे
वो चाँ चाँ कर रहे हैं, वो द्वार से जब नीचे से चुन रहे होते हैं, तो जब ये आते हैं तो बड़े ही ये रश से आते हैं, ऊपर भी लाइनें बन जाती हैं नीचे भी, और इस तरह ये करते हैं। ये जी फैमिली के टाइम होता है। ये देखिए यहाँ पे हम फूड डालना शुरू कर दिया और बहुत सारा बर्ड आते हैं यहाँ पर। और ये मेरा एक वीक पुराना फूलों का गुलदस्ता है जिसमें इस तरह की लुक हो गई है। यहाँ पर जी जब मैं लाइव कर रही होती हूँ तो साथ साथ में मैं काम कर रही होती हूँ। सबसे पहले मैंने ये गोभी धोई है, गोभी के फूल तोड़ के रख दिए हैं। यहाँ पर हरी मिर्चे हैं वो काट के डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं, ओनियन लीक्स डाल दिए हैं, और इस तरह मैं ये सारी सब्जी डाल के इसको धो के सवार के रख लेती हूँ। और जब मैंने हांडी बनानी होती है तो बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है और मेरी बहुत मज़े की हांडी बन जाती है। पहले इसको स्टीम करूँगी, इसका पानी सूख जाएगा, फिर इसमें तेल डालूंगी और इसको अच्छे से बनाई करूँगी मसाला डाल के, तो ये मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आप भी इस तरह ट्राई करेंगे। स्लो आंच पे आप वेजिटेबल्स को पकाएं, बड़ी ही मज़े की टेस्ट आता है। आस्ता आस्ता हिलाते जाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत मज़ा आएगा खाने का, बहुत लजीज रहेंगे और सारी में विटामिन्स आयन सारी ताकत इसी में रहती है। यहाँ पे ये देखिए मेरे फूल की जो सेटिंग है वो इस तरह है, मैंने टीवी के सामने रखे होते हैं, ये टीवी को तो सबको देखना होता है। और ये आज की मेरी सेटिंग है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इनकी बहुत खूब प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। जैसे ही आप कमरे में इंटर करें ऐसे लगता है बहुत सारा रोज़ वाटर या रोज़ परफ्यूम आपने लगा दिया है। और ये आज का खास तोहफा है, तो आज 31 मई 2023 है, तो यहाँ पे ये फूल हैं जो मेरे बच्चों ने लेके आए हैं, सबने मिलके ये बंच बनाया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, हर रोज़ थोड़े से नए फूल खिल जाते हैं और फिर वो जो बंच होता है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लगता है। तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि ये मनी वेस्टिंग है, लेकिन मुझे शौक का कोई मोल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे।